इस प्रोजेक्ट ने दिल्ली को चेंज करके रख दिया कौन सा प्रोजेक्ट आप समझ गए होंगे दिल्ली मेट्रो क्योंकि वो एक ऐसी जगह है वहां और कोई साधन है ही नहीं है वहाँ पैदल ही जा सकता आदमी या रिक्शा से जा सकता है तो वहाँ तो मेट्रो की बहुत ज्यादा जरूरत है दिल्ली मेट्रो को भी शुरुआत में मना किया क्योंकि एक गड्ढे से निकल गया आप फिर दूसरे गड्ढे में नहीं जाना चाहोगे ना बिल्डिंग बहुत सारी बिल्डिंग डैमेज हुई कोलेप्स हुई जब आप सड़क पे मेट्रो बनाने के लिए खुदाई करते हैं साठ फीट नीचे तक जाते हैं तो कोलकाता मेट्रो के एग्जाम्पल की वजह से जब दिल्ली में आप आए तो लोगों में एंथुजियाजम कम था और डर ज्यादा डर जा रहा था लेकिन यहाँ कोई आदमी आज जो आ रहा है बाद में भी आएगा सिर्फ उसका मोड चेंज होगा करेक्ट अभी जो आ रहा है वो बस से आता है ऑटो से आता है अपनी कार से आता है बाद में वो मेट्रो से आने लगेगा मेट्रो जब हमने बनानी शुरू की थी हमारे पास कोई मॉडर्न मेट्रो बनाने की एक्सपर्टाइज नहीं थी जे के सुपर पॉडकास्ट की जनता फिर से आपका स्वागत है एक और आइकॉनिक एपिसोड में आज का एपिसोड किस बारे में आज का एपिसोड उस बारे में जिस जिस प्रोजेक्ट ने दिल्ली को चेंज करके रख दिया कौन सा प्रोजेक्ट आप समझ गए होंगे दिल्ली मेट्रो और आज जो व्यक्ति हमारे साथ गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर मंगू सिंह उन्होंने आई रुड़की में एजुकेशन ली अपनी इंडियन रेलवेज में काम किया और उसके बाद उन्होंने ग्यारह से बारह साल डीएमआरसी को हेड करा ही वॉज द एक्स एम डी ऑफ डीएमआरसी डीएमआरसी क्या वो कॉरपोरेशन जो दिल्ली मेट्रो को चलाता है दिल्ली मेट्रो क्या आप जानते हैं रोज ट्रैवल करते हैं कभी नोएडा से गुड़गांव आते हैं कभी गुड़गांव से भी नोएडा जाते हैं ऐसी कमाल की मेट्रो सिस्टम जिसने देश का गेम चेंज कर दिया दुनिया का गेम चेंज नहीं किया दिल्ली का गेम चेंज किया ऐसे मेट्रो सिस्टम के बारे में आज डिटेल में इन डेप्थ आप हो सकता है मेट्रो में बैठ के भी ये देख रहे हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसा डिटेल्ड इंटरव्यू पॉडकास्ट आपको यूट्यूब पर दूसरा नहीं मिलेगा तो जिस मेट्रो को आप रोज यूज करते हैं आइए उसके बारे में आज जानते हैं डिटेल में डेप्थ में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जेके सुपर पॉडकास्ट में पहले तो मैं आपको जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था आपके प्रोजेक्ट के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मेरे दिल से सिर्फ एक ही चीज़ आ रही थी कि मैं आपको धन्यवाद देना चाहता था क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ मेरी समस्या बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट की है इधर से उधर ट्रैवल करने की है और इस ट्रैवल की समस्या को आपने और आपके साथ कुछ कलीग्स ने ट्रांसफॉर्म करके रख दिया तो सर आपको पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतना बड़ा काम किया दूसरा थैंक यू मैं आपका स्वागत करता हूँ सर जे के पॉडकास्ट के ऊपर थैंक यू मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ मुझे आपने इस पॉडकास्ट में बुलाया आज सर शुरू से शुरू करते हैं आपकी जर्नी के बारे में शुरू करते हैं आप आई रुड़की गए जी कैसी थी सर वो जर्नी क्या रहा आपका आई का सपना आपने कैसे देखा क्योंकि आप मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो थोड़ी डिफिकल्ट अप्रिंग थी और फार्मर फैमिली से थे सर बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल. सर बताएं सही मायने में बताया जाए तो आई के बारे में हमको कुछ पता ही नहीं था जैसा आपने बताया कैसी बैकग्राउंड से मैं जिस गांव में पैदा हुआ था उसमें तो प्राइमरी स्कूल भी नहीं था तब और क्लास सिक्स में जब मैं गया पहले तो घर पे ही पढ़ाई हुई तो साढ़े छः किलोमीटर डेली मैं साढ़े नौ साल का उस टाइम था साढ़े छः किलोमीटर रोज़ पैदल चल कर जाना होता था तो इस तरह की जर्नी थी और ट्वेल्थ करने तक कभी नहीं सोचा था कि इंजीनियरिंग भी कुछ होती है और फिर वहीं पे मैंने बीएससी किया बीएससी में एडमिशन लिया बीएससी कंप्लीट करने के बाद रियलाइज़ हुआ कि अब क्या करेंगे अच्छा तो कुछ वेल विशर्स थे उन्होंने सजेस्ट किया कि क्यों नहीं इंजीनियरिंग के लिए ट्राई करते और आपने देखा होगा जो बच्चे इंजीनियरिंग के लिए कोशिश करते हैं तो कई तरफ एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं और मैंने सिर्फ एक रुड़की का जो हमारे नियरेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज था हमारे पास वहाँ से जी। मैंने उसका उसमें अप्लाई किया और सलेक्शन uh, भी हो गया और यहाँ तक देखिए कि उसका रिजल्ट निकलने के बाद भी ये विश्वास नहीं था कि वो सिलेक्शन हो गया कई दिन तक उसका रिजल्ट देखने भी नहीं गए आज की तरह नहीं है कि वेबसाइट हाँ, पर मिल जाता है जी उन दिनों न्यूज़पेपर में रिजल्ट निकला करता था जी और आपको स्पेसिफिकली वो एडिशन में जाके देखना होता था रोल नंबर से पूरा रोल नंबर से उस पूरे एरिया में ये चर्चा थी कि हाँ नजीबाबाद से दो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है सिर्फ दो बच्चों का ऐसे ही होता था ना उड़की हाँ। पूरा दो का सिलेक्शन हुआ एक तो स्वयं स्वयं है दूसरे का पता नहीं कौन है हाँ। तो आठ दस दिन बाद मैं गया जाके मैंने देखा हाँ। तो मेरा नाम था उसमें तो खैर बहुत खुशी हुई लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती हाँ। मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे मेरे ग्रैंड फादर वो इंटरेस्टेड नहीं थे भेजने में आईआईटी में सिलेक्शन होने के बाद नहीं भेजना चाहते थे आपको क्या पता बेचारों को क्या होता है आई टी उनका कहना था कि हमारे परिवार में एक बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ है मैं अपनी जनरेशन में सबसे बड़ा था अच्छा तो उनका कहना था एक बच्चा बड़ा होके निकला है हम उसको घर से बाहर कैसे भेजते हैं <laughs> और जो वेल वेलविशर्स थे रिलेटिव्स थे उनके समझाने बुझाने के बाद मैं अल्टीमेटली वो एग्री हुए और इस तरह से मैं रुड़की यूनिवर्सिटी में पहुंच गया एडमिशन ले लिया Sixth तक आपने स्कूल ही नहीं देखा था ना सिक्स तक आ, क्योंकि नियरेस्ट प्राइमरी स्कूल जो है वो साढ़े तीन किलोमीटर था अच्छा तो उससे पहले गांव में घर पे ही एक टीचर ट्यूटर रखा हुआ था घर पे वो पढ़ाते थे जी। और फॉर्मली क्लास फिफ्थ का एडमिशन के लिए उस प्राइमरी स्कूल में एडमिशन करवाया था एक साल पहले जी। पर अदरवाइज सीधे जो क्लास सिक्स में एडमिशन वहाँ सीधे जाके मां तो फिर अब आप आई आई रुड़की चले गए तब तो आपकी आईआईटी की आपकी आईआईटी की एजुकेशन पूरी हो रही है सर आपने आईआईटी कर लिया आपने कौन सी इंजीनियरिंग करी सर मैं सिविल इंजीनियर आपने सिविल इंजीनियरिंग की सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद अब आप जब आईआईटी से बाहर आए तो आपकी पहली जॉब क्या थी सरकारी ही जॉब थी पहली देखिए आई रुड़की जो है उन दिनों यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की हुआ करती थी आई अब बाद में बनी है और वहाँ डे वन से ही सिखाया जाता था कि आपका एम अल्टीमेटली इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स अच्छा? हाँ, आपको इंजीनियरिंग सर्विस में जाना है हाँ। और उसी तरह से सब आ, फाइनल ईयर के बाद में सब तैयारी करनी शुरू कर देते थे जी। और लेकिन मेरे लिए एक एक्सक्यूज था फर्स्ट ईयर में हाँ। मेरी फाइनल रिजल्ट निकलने के पंद्रह दिन के अंदर ही मेरी शादी हो गई थी फर्स्ट ईयर में ही आपकी रिजल्ट आने के पंद्रह दिन के अंदर मेरी शादी हो गई थी आई हैड दैट एक्सक्यूज के भाई इस साल मेरा अगर नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं <laughs> <laughs> तो वो बड़ा कैजुअल था और मैंने कैजुअली <laughs> इंजीनियरिंग सर्विसेज का कंपटीशन एग्ज, उसका एग्ज़ाम दिया बहुत अच्छे से कोई खास तैयारी नहीं हुई और और शादी के बीस दिन के अंदर ही वो एग्ज़ाम भी था तो ऐसा भी नहीं था कि कोई टाइम था लेकिन वो फाइनली उस लिस्ट में भी नाम आ गया ग्रुप ए सर्विस में तो फिर कॉन्फिडेंस और बढ़ा के हाँ ये तो किया जा सकता है तो मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं आ, क्योंकि वहाँ रैंक के बेसिस पे आपको डिपार्टमेंट मिलता है जी मुझे सेंट्रल वाटर कमीशन मिला और इस तरह से मैंने पहली नौकरी दिल्ली में सेंट्रल वाटर कमीशन में शुरू की थी आर के पुरम में जिसका ऑफिस वागर था सर छोटे से बारे में जाना चाहूँगा वहाँ आपका क्या काम होता था ग्रेट बहुत अच्छी बात आपने पूछी तो वहाँ जब उसमें मेरा सलेक्शन हुआ उसमें पोस्ट थी असिस्टेंट डायरेक्टर अच्छा तो ऐसा लगता था कि आपने क्या पा लिया <laughs> और जब वहाँ गए पहले दिन ही <laughs> पहले दिन जाने के बाद पता लगा कि ये तो ठीक नहीं है इसके तो और आगे कुछ करना <laughs> पड़ेगा वहाँ हालत ये है ग्रुप पे या क्लास वन ऑफिसर्स की जो सिचुएशन है वहाँ <laughs> आपको एक टेबल और चेयर मिल गई तो आप पक्का नहीं है कि वो चेयर आपकी है अगर अच्छा। आप थोड़ा सा इधर उधर कहीं निकल गए तो उसको चेयर को खींच के कोई उस पर जाके बैठ जाएगा अच्छा तो इसलिए डिसाइड ये किया कि भाई फिर से तैयारी करनी पड़ेगी और इस रैंक को इम्प्रूव करना पड़ेगा और अच्छे डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा फिर दोबारा एग्जाम दिया तब जाके नेक्स्ट अटैम्प्ट में वो पोजिशन ठीक हुई है रेलवे मिली अब आपकी रैंक बहुत बेहतर हो गई और अब रेलवे चले गए अब आप रेलवे में कहाँ गए सर कहाँ पोस्ट हुए और क्या आपने जॉब से शुरू किया ग्रेट बहुत ये बहुत अच्छी बात रेलवे में पहले दो साल जो होते हैं जी वो आ, प्रोबेशनर कहते हैं वहाँ ठीक है दो साल आपको ट्रेनिंग दी जाती रेलवे की जी क्योंकि रेलवे एक ऐसी ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको कॉलेज में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता आपको सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती जनरल ठीक बट रेलवे का स्पेसिफिक जो वहाँ की ज़रूरत है उसके बारे में कोई खास नहीं पढ़ाया जाता है तो आपको दो साल की ट्रेनिंग जिसमें क्लासरूम ट्रेनिंग है बड़ौदा है हमारे रेलवे स्टाफ कॉलेज उन दिनों हुआ करता था आजकल कर उसको नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे बोलते हैं बाय द वे नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे ने भी मुझे डिस्टिंगविश अलमनाई का अवार्ड दिया अच्छा था। तो वो ट्रेनिंग आप दो साल करिए है, और वो मेरे ख्याल में लाइफ का सबसे अच्छा पार्ट होता था क्यों कहेंगे सर आप ऐसार? क्योंकि आप क्लास वन ऑफिसर है, हैं आपको सारी फैसिलिटी है हैं। आपका स्टेटस वही है आप जहाँ जाइए आप सब जगह किसी रेलवे स्टेशन में जाइए गेस्ट हाउस में जाइए किसी ऑफिस में जाइए तो आपको पूरी रेस्पेक्ट मिलेगी पूरी सारी फैसिलिटी मिलेंगी और जिम्मेदारी कुछ नहीं <laughs> तो इसलिए मैं बेस्ट पार्ट बोल रहा हूँ और बड़ी रिग्रेस दो साल की ट्रेनिंग के बाद आपको जी। फिर प्रॉपर पोस्ट मिलती है तो वो पहली पोस्ट मिले मुझे एक जगह है अंडाल आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा सर्च करेंगे तो मिलेगा हाँ। भी नहीं शायद और रेलवे के लिए अंडाल एक बहुत बड़ी जगह है क्यों अंडाल दुर्गापुर के पास है आसनसोल डिवीजन में आती है और वहाँ रेलवे का बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है उन दिनों वहाँ कम से कम दस हजार एम्प्लॉय रेलवे के वहाँ होते थे और वहां से मैं तब की बात बता रहा हूं तब चौबीस पच्चीस फुल रेख कोयले की वहां से बन के चलती थी आसपास इतनी कोल माइंस माइंड रानीगंज जारिया वो सुना होगा ना आपने रानीगंज वो एरिया जी जी तो वहाँ से कोयला निकलता था वैगन्स में भर के आता था और वहाँ यार्ड में फिर वो पूरी रेख बनती थी वहाँ से वो बन के निकलती थी तो इसलिए वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है और बड़ी टफ पोस्टिंग भी मानी जाती है स्टार्टिंग uh, में जैसे ही कोई असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट वहाँ होती है बाई चांस मेरी पोस्टिंग जुलाई में हुई और उन दिनों वो जो वो साइडिंग्स होते हैं जो जो ब्रांच लाइनें होती हैं जिससे कोल आता है वो बड़ी ऐसी अनइम्पॉर्टेंट लाइन टाइप की उनको माना जाता है अनइम्पॉर्टेंट फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ व्यू कि उसमें इनपुट तो जाती नहीं मेंटेनेंस की पर उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है एक दिन एक रेख नहीं निकली वहाँ से तो प्रोडक्शन उतना ही आ, कम हो गया सफर हो गया तो उस पर नज़र तो रहती थी रेलवे बोर्ड से कि कहाँ कितना आउटपुट निकल रही है, है। पर इनपुट होती नहीं थी तो उसमें हर रोज कहीं कोई डीरेलमेंट हो रहा है कहीं कोई वैगन कैप्साइज हो जा रहा है तो इस तरह की बड़ी सीरियस प्रॉब्लम बड़ी टफ वो जगह मानी जाती थी तो शुरू की पोस्टिंग में थोड़ा टफ रगड़े गए अच्छे से तो अच्छा हुआ आ, तो सर फिर अब आपका ये इंडियन रेलवे में जब आप इंडियन रेलवे से आपका ट्रांजिशन हुआ डीएमआरसी की तरफ तो इंडियन रेलवे पे आप किस पोस्ट पर रिटायर किया और डीएमआरसी जाने से पहले आपका लास्ट जॉब क्या था और लास्ट में आप क्या कर रहे थे इनफैक्ट डीएमआरसी आने से पहले एक और अच्छा आ, एक जॉब और नहीं सर रेलवे में ही एक स्टेप और था जी रेलवे उन दिनों कलकटा मेट्रो बना रही थी जो हाँ। दिल्ली मेट्रो से उसका सेटअप अलग है कलकत्ता मेट्रो जो है वो इंडियन रेलवे का ही पार्ट है वो उन दिनों एक डंप प्लेस माना जाता था किसी ऑफिसर को अगर पनिश करना है या ख़राब पोस्ट पर भेजना है तो उसको कलकत्ता मेट्रो में पोस्ट कर दीजिए क्यों सर ऐसा क्योंकि वो एक ऐसी प्रोजेक्ट थी जो 16 किलोमीटर की लाइन बनाने में 25 साल लगे 1970-71 में चालू हुई नाइन्टी सिक्स में वो मतलब कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ सेवनटीन सेवनटी वन में जाके फाइनली वो लाइन कंप्लीट हुई और आप कितने साल थे वहाँ पे मैं 89 से 96 लास्ट के सात साल रहा अच्छा, आप कंप्लीट करके ही निकले वहाँ मुझे मैं वो थोड़ी सी कहानी बताता हूँ तो जब मेरी पोस्टिंग वहाँ होगी जी मैंने बहुत कोशिश की कि मैं वहाँ ना जाऊँ तो ये शुरुआत है मेरी मेट्रो में मैं कैसे आया ठीक मेट्रो सेक्टर में हाँ. मैं ना चाह भी मैंने कभी चाहा नहीं कि मैं मेट्रो सेक्टर में जाऊं पर डेस्टिनी तो नहीं है बताइए आप कुछ नहीं कर सकते एक तो मैंने बहुत कोशिश की हाँ. कि मेरा ट्रांसफर ईस्टर्न हाँ. रेलवे से कलकत्ता मेट्रो में रुक जाए किसी तरह जितनी जो पॉसिबल <laughs> हो सकता था इंक्लूडिंग जो भी प्रेशर लगाना था मैं लगाया पर वो बात बनी नहीं मुझे जाके वहां ज्वाइन करना पड़ा और ज्वाइन करने के भी इनिशियल एक दो महीने में बहुत फिर भी कोशिश करता रहा क्योंकि वो इतनी फ्रस्ट्रेटिंग पोजीशन थी वहाँ कि जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया था तो उन दिनों लॉकआउट चल रहा था आपने दुनिया में कहीं किसी प्रोजेक्ट में लॉकआउट नहीं सुना होगा प्रोजेक्ट में नहीं सुना होगा फैक्ट्री में लॉकआउट हो सकता है मतलब शटडाउन लॉकआउट इन सेंस दी जो लेबर यूनियन वहाँ वर्कर्स की लेबर यूनियन थी कॉन्ट्रैक्टर्स के वर्कर्स की उनमें और कॉन्ट्रैक्टर में डिस्प्यूट हुआ एंड देन गवर्नमेंट इंटरव्यून की वहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट हाँ, और वो फिर लॉकआउट डिक्लेयर हो गया और मतलब नो no वर्क अब आप ऐसी किसी पोजीशन में चले जाओ जहाँ कोई काम नहीं है हाँ, तो फ्रस्टेटिंग ही तो है बिल्कुल ठीक बात तो खैर वो सिचुएशन इम्प्रूव हुई एक साल डेढ़ साल दो साल बाद डेढ़ दो साल तक काम हाँ, ही नहीं हो रहा था वहाँ पर ऑफिस जाते थे तो दिनचर्या क्या रहती थी? साफ साफ करना, <laughs> कुड़ा साफ से मेरा मतलब है, हाँ। गवर्नमेंट जॉब में बहुत कूड़े होते हैं इन देंस कि जो आदमी पहले काम करके गया है हाँ। वो बहुत सारी चीजें छोड़ गया जो जो डिफिकल्ट जॉब्स हैं छोड़ गया हाँ। जो पेपर वर्क हैं जैसे हमारे अगर सिविल इंजीनियरिंग में बात करें तो एक आदमी कॉन्ट्रैक्टर से काम तो करवा के चला गया लेकिन उसके जो फाइनल बिल्स हैं उसके जो क्लेम्स हैं उसके जो डिस्प्यूट्स हैं वो पीछे छोड़ गया हुँ। उसको हम कूड़ा कहते हैं अच्छा तो जब मैंने वहां ज्वाइन किया था तो वहाँ मेरे हिस्से में सौ फाइनल बिल आए जो कि पेंडिंग पड़े हुए थे सौ बिल के जो मुझे फाइनल कर लेते और सब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे सिंपल नहीं थे सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी या तो क्लेम्स थे डिस्प्यूट्स थे इस तरह की मतलब एक एक बिल को क्लियर करने में अच्छा समय लग लगता अच्छा हो। समय लगता था बिल्कुल बहुत बहुत वो थोड़ा सा टेक्निकल है वो सब बताने में जी जी ठीक पर वो सब आ, जब हम ने ये रियलाइज किया आप यहाँ रहना है और मुझे बोला गया कि आप यहाँ से तब तक नहीं निकल सकते जब तक ये कम्प्लीट नहीं होगी तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था ठीक और मैं सिर्फ डिप्टी चीफ इंजीनियर उस टाइम पे था नॉट अ वेरी बिग पोजीशन बट बहुत इम्पोर्टेंट तो फिर फिर उसमें जी जान से लगे और मैं अगर एक थोड़ा सा इनपुट ये दूँ कि 1971 से लगा के 92 तक 71 से 92 टू तक जो प्रोजेक्ट का टोटल एक्सपेंडिचर था वो करीब 800 करोड़ था जी और फाइनली जो कंप्लीट हुई वो 1600 तो 92 तक 800 करोड़ खर्च हुआ और 92 से 96 जो बाद में कंप्लीट किया फिर 800 करोड़ और हुआ हाँ। तो वो दिखाता है कि कैसे काम हुआ उस पीरियड में चार सालों कितना में कितना कितना फास्ट फास्ट काम कितना फास्ट हुआ।, हुआ? जी। हमारा तो इफर्ट था ही था पर मुझे लगता है गवर्नमेंट ने भी डिसाइड कर लिया था कि अब इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है वो 25 साल क्यों लगे उसके बहुत कारण हैं बीच बीच में कई ऐसी स्टेज आई गवर्नमेंट ने ये सोच लिया डिलेमा में रहा करें कि ना करें कि बीच में छोड़ दें तो फंड नहीं मिलते थे नहीं। कभी प्रोजेक्ट को जिंदा रखने के लिए थोड़ा थोड़ा फंड देते रहते थे तो बाद में ये पोजीशन आ गई कि हमने जितना फंड मांगा कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट ने फिर दिया सारा कंप्लीट करने के लिए तो इस तरह से नाइनटी में प्रोजेक्ट कंप्लीट हुई और मैं फिर वापस ट्रांसफर मैं वापस फिर दिल्ली नहीं आया तो क्योंकि एक गड्ढे से निकल गया आप फिर दूसरे गड्ढे में नहीं जाना चाहोगे ना तो मैंने कहा मुझसे कहा गया दिल्ली मेट्रो आओगे क्या नहीं, नहीं। तो मैंने कहा जी एक गड्ढे से निकल के मैं फिर दूसरे में क्यों जाऊं अच्छा आपने दिल्ली मेट्रो को भी शुरुआत में मना किया बिल्कुल नेचुरली जो जो आप ऑर्गेनाइज सर्विस में है इंडियन रेलवे में है करेक्ट तो ऑर्गेनाइज सर्विस में जो आदमी होता है उसकी एक इच्छा होती है कि वो वहीं पे रहे दिल्ली मेट्रो एक नई बन रही थी कुछ अनसर्टेनिटी थी होगी नहीं होगी क्या पता है तो वो रिस्क क्यों लें यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज सर्विस में है प्रॉपर है आपका ऑटोमेटिक प्रमोशन होते जाएंगे आप डिप्टी चीफ इंजीनियर से चीफ इंजीनियर बनोगे डी बन सकते हो जी मतलब वो तो एक ऑटोमेटिक है ना तो वह क्यों छोड़ कर उसको जाना चाहोगे और इसकी हर एक पोजीशन इतनी लुभावनी है रेलवे की चलने किसी, किसी के अपने पर्स है किसी की अपनी लाइफस्टाइल बहुत ही बढ़िया है तो वापस मैं फिर कलकत्ता मेट्रो से मैंने कहा जी मुझे वापस मुझे ईस्टर्न रेलवे दीजिए जिससे मैं ओरिजिनली ईस्टर्न रेलवे से था तो मुगल में मैं पोस्ट किया गया सीनियर कोआर्डिनेशन पोस्ट बोलते हैं वहाँ डिवीजन में इंजीनियरिंग का जो एक हेड है, होता है।, है और बड़ा सा बंगलो पूरा जो यहाँ के लिए जब बात आई तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ क्लिक की वहाँ मुगल सराय में बच्चों की एजुकेशन का कुछ नहीं था मतलब एकदम नील थी जगह तो वो एक कंसिडरेशन था मैंने रियलाइज किया कि बेटर है अगर यहाँ से निकल के और हम किसी ऐसी जगह चले जाएं जहाँ बच्चों को थोड़ी एजुकेशन ठीक से मिल जाए ठीक तो जब ये दिल्ली की बात आई दिल्ली मेट्रो की कि चूंकि मेरा कलकत्ता मेट्रो का एक्सपीरियंस था और यहाँ जरूरत थी तो फिर आ, मैं मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ ज्वाइन करूँगा हाफ हार्टेडली मैंने अप्लाई किया आ गया यहाँ और एक और थोड़ा सा अट्रैक्शन था कि मुझे यहाँ दो साल पहले प्रमोशन मिल जा रहा था मैंने अच्छा। 97 में ए चीफ इंजीनियर ज्वाइन किया जी तो एक्चुअली 14 एंड हाफ इयर्स की सर्विस के बाद मुझे यहाँ चीफ इंजीनियर एस एस ग्रेड बोलते हैं वो मिल गया था। चीफ इंजीनियर आप बन गए चीफ इंजीनियर बन गया ज्वाइन किया नाइनटी सर एक छोटा सा प्रोग्रेशन समझना चाहता हूँ कि चीफ इंजीनियर के बाद आदमी क्या बनता है डीएमआरसी के अंदर जो कार्पोरेशन होते हैं जी गवर्नमेंट तो डिपार्टमेंट जैसे रेलवे वगैरह वहाँ तो अलग है सिस्टम कॉर्पोरेशंस so, में होता है चीफ इंजीनियर के बाद नेक्स्ट लेवल आपका डायरेक्टर है डायरेक्टर और फिर एमडी है अच्छा लेकिन कॉर्पोरेशंस में ये प्रमोशनस ऑटोमेटिक नहीं होते हैं हम्म डायरेक्टर की जो पोजीशन है वो इस ओपन टू ऑल कोई भी जो स्किल जो बेस्ट सूटेबल हाँ, आदमी मिलेगा किसी को भी बनाया जा सकता है किसी को भी बनाया जा सकता है इट्स जैसे रेलवे में क्या आप प्रमोशन हो ऊपर आते जाते हाँ, हैं हाँ, इसमें ऐसे नहीं होता है हाँ, ऐसी डायरेक्टर से एमडी के लिए एमडी भी ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टर से प्रमोट हो जाओगे उसके लिए फिर से सिलेक्शन होगा एप्लीकेशन कॉल की जाएंगी और कोई भी अप्लाई कर सकता है और अगर आप में काबिलियत है तो आप चीफ इंजीनियर से डायरेक्ट एम भी बन सकते हैं क्या हाँ, बन सकते हैं बन सकते हैं तो इस तरह से मैंने एज ए चीफ इंजीनियर ज्वाइन किया कौन सा साल है सर ये नाइन्टी सेवन नवंबर नाइनटी में आपने एज ए चीफ इंजीनियर ज्वाइन किया तब आप चीफ इंजीनियर हैं डायरेक्टर कौन थे तब कुछ दिन तक कोई डायरेक्टर नहीं थे अच्छा एक्चुअली इनिशियल टीम जो थी श्रीधरन हाँ। साहब जी एमडी थे वो एमडी थे जी और uh, तीन चार चीफ लेवल के लोग थे अच्छा बस, ये इनिशियल टीम ये थी शुरू हाँ, में हाँ। नवंबर में ही उन्होंने ज्वाइन किया था सुरेंद्र साहब ने ठीक अगले साल 98 में जून में जाके एक डायरेक्टर पोस्ट हुए थे अच्छा 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 तो ये शुरुआत हुई दिल्ली मेट्रो में आने की और अब जब दिल्ली मेट्रो की हम बात करते थे जिस डिपार्टमेंट के पास जाते थे क्योंकि आप इसने इस तरह की प्रोजेक्ट शहर में जी। आप अपने आप नहीं जाके बना सकते आपको लोगों का बहुत कोऑपरेशन चाहिए बाकी डिपार्टमेंट्स का चाहिए कॉर्पोरेशन का चाहिए पुलिस का चाहिए सब का आप कैसे करेंगे जी तो हम जिसके पास जाते थे तो कलकत्ता मेट्रो का जो बैगेज है हाँ। वो हमको तंग करता था हाँ। मतलब सबसे पहला रिएक्शन सबका यही होता था हाँ। कि अच्छा दिल्ली को भी ऐसी खोद के डालोगे हाँ। क्योंकि कलकत्ता मेट्रो जैसे मैंने बताया है पच्चीस साल लगे सोलह किलोमीटर की लाइन को हाँ। और सोलह किलोमीटर पच्चीस साल में पूरा शहर की जो मेन आर्टेरियल रोड है हाँ। वो खुद ही पड़ी रही हाँ। ट्रैफिक में लोगों को दिक्कत हुई डाइवर्सन्स हुए बड़े सारे यूटिलिटी के डिसप्स हुए के पावर सप्लाई पानी की सप्लाई मतलब पूरे साल में बहुत हम लोगों हमने ने बहुत बहुत ज़्यादा वहाँ इनकन्वीनियंस फेस की जो कुछ भी रॉन्ग हो सकता था कलकत्ता में वो हुआ <laughs> प्रोजेक्ट डिले हुई इतनी प्रोजेक्ट कॉस्ट एक सौ पचास करोड़ से सोलह सौ करोड़ तो जो कुछ भी वहाँ बिल्डिंग बहुत सारी बिल्डिंग डैमेज हुई कोलेप्स हुई कि जब आप सड़क पर मेट्रो uh, बनाने के लिए खुदाई करते हैं साठ फीट नीचे तक जाते हैं हुँ. तो उसके पास की जो बिल्डिंग है वो वो थोड़ी डैमेज uh, हो सकती हैं सेटलमेंट होते हैं तो जो भी हो सकता था वो वहाँ हुआ तो कोलकाता मेट्रो के एग्जाम्पल की वजह से जब दिल्ली में आप आए तो लोगों में एंथुजियाज़म कम था और डर ज़्यादा डर था, था लेकिन मैं सब लोगों को ये बताता था कि वो जो एक्सपीरियंस है वहाँ का हाँ। वो खराब एक्सपीरियंस तो है हाँ। पर बहुत वैल्यूएबल है बहुत सीखा गया मैं ये वादा करता हूँ कि जो कुछ वहाँ हुआ यहाँ नहीं होने दूंगा हाँ। हाँ। तो उससे कॉन्फिडेंस आता था जी जैसे इनकन्वीनियंस की बात है जी। लोगों में अब आप किसी के घर के सामने सपोज आप सुबह सुबह उठे आपने घर का दरवाजा खोला गेट खोला पता लगा आपके घर के बाहर खुदाई हुई पड़ी है वो कोई आया कोई भी डिपार्टमेंट कोई एजेंसी पानी की वाटर लाइन डालने के लिए या पावर केबल डालने के लिए उसने खोदा आपको पता नहीं है अब आपकी रिएक्शन क्या होगी यू विल फील रियली बैड करेक्ट आपको बेचैनी होगी भाई पता नहीं कितने दिन खुदा रहेगा मुझे कितने दिन इसके लिए हाँ। इनकन्वीनियंस होगी हाँ। तो हमने सबसे पहला काम तो ये किया कि लोगों के पास हम जाते थे जिस एरिया में जो काम करना हमको हम लोगों के साथ पब्लिक इंटरेक्शन प्रोग्राम करते थे इनवाइट करते थे लोगों को जो पब्लिक उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ के और उनको हम बताते थे कि भाई हम आपके यहाँ ये काम करेंगे इतने दिन आपको इनकन्वीनियंस रहेगी इतने दिन ट्रैफिक का डाइवर्सन ये वाला हम उधर से डाइवर्ट करेंगे और इतने दिन आपको आ, निकलने में आने जाने में दिक्कत होगी पर हम ये रेस्टोर एज इट इज इसका या इससे भी अच्छे तरीके से हम कर लेंगे में। तो एक तो वो लोगों को अपने साथ लेके चलना और फिर जो आपने कमिट किया अगर हमने कहा कि ये जो आपको इनकनवीनियंस है वो हफ्ता भर है और हफ्ते के बाद आपको वो एज इट इज मिल जाएगी तो वो अगर आप एक फुलफिल करते हैं तो फिर आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है ट्रस्ट बढ़ता है हुँ. और फिर लोग आपके साथ आने को तैयार होते हैं और लोगों को क्योंकि आपने प्रोग्राम में लिया तो लोग ऐसा महसूस करते हैं राधर देन कि उनके साथ कुछ हो रहा है उन्हें लगता है कि वो अब देश के लिए कुछ कर रहे हैं बिल्कुल उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन है इसके अंदर जिस तरह की वो अगर वो थोड़ा सफर करें तो देश के लिए कर रहे हैं बिल्कुल मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ कनाट प्लेस आप लोगों को नहीं मालूम होगा हाँ कनाट प्लेस जो एरिया है उस पीरियड में 95, 96, नाइन्टी सिक्स 97, 98 में वो एक्चुअली डेड हो जा रहा था वो एरिया कनाट प्लेस और उसके आसपास के जितनी कॉमर्शियल एक्टिविटीज थी वो गोइंग डाउन एक्चुअली। क्यों सर? और उसके कॉस्ट पे गुड़गांव नोएडा बढ़ रहा था अच्छा। क्योंकि एक्सेस की प्रॉब्लम थी ट्रैफिक की प्रॉब्लम थी लोगों को आने जाने में दिक्कत होती थी वहां पार्किंग की प्रॉब्लम कनाड प्लेस में और गुड़गांव में उससे अच्छी जगह उससे अच्छे मॉल और उससे अच्छी कॉमर्शियल स्पेस मिल जा रही थी मत चीपर रेट तो गुड़गांव नोएडा बढ़ रहे है थे और कनट कनट प्लेस, प्लेस नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था। तो जब ये पता लगा वहाँ कि यहाँ मेट्रो बनेगी तो तुरंत दिमाग में वही बात आई है जैसे कलकत्ता वाली कि अच्छा ये तो इतना दिन खुदा पड़ा रहेगा यहाँ और गया तो और चला जाएगा हम तो बिल्कुल बैठ जाएंगे तो न्यू डेली ट्रेडर्स एसोसिएशन एक है वह। बड़ी पावरफुल बॉडी है वो लोग हमारे पास आए गवर्नमेंट को भी उन्होंने कंप्लेन की कि जी यहाँ से मेट्रो नहीं जानी चाहिए कहीं और से ले जाओ निकाल के अच्छा उनके हिसाब से मेट्रो ही नहीं होनी नहीं, नहीं चाहिए राजीव चौक ही नहीं, होता। नहीं होना ही नहीं चाहिए हां। और बड़े हायर लेवल पे मीटिंग हुई और हमने उनको पूरा सारा समझाया कैसे हम प्रोजेक्ट को करेंगे कैसे आपको इनकन्वीनियंस नहीं होने देंगे एक दिन भी ट्रैफिक आपका बंद नहीं होने देंगे क्योंकि उनको भी पता था कि जैसे राजीव चौक जैसा स्टेशन अंडरग्राउंड स्टेशन बड़ा ह्यूज स्टेशन आप अंदर जी जी तो जी देखा होगा जी, हुआ। जी. हुआ। तो जब पीक पे जब वो बन रहा था काम चल रहे थे मैं उन दिनों चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर था उस अच्छा तो 500 ट्रक मिट्टी रोज निकलती थी वहां से तो आप ये समझिए 500 ट्रक निकलना रोज वहां जाएंगे पांच सौ ट्रक निकालना पहले पांच ट्रक का वहां होना पांच ट्रक का अपने आप में इतना और उसके फिर पैरल उसके इक्वलेंट या उसी के करस्पॉन्डिंग आपको फिर जो है इक्विपमेंट ले जाने वहाँ कंक्रीट ले जाना और जो मटेरियल है स्टील है स्ट्रक्चरल है रॉड है इतनी सारी चीजें तो उनका मूवमेंट तो एक तो ये मूवमेंट हो गया और बाकी मूवमेंट जो बाकी एक्टिविटीज का तो बोला हमारे तो लोगों के लिए जगह नहीं, नहीं ही नहीं समय ही नहीं तो हमने कमिट किया कि ये हमारी सारी एक्टिविटी रात ग्यारह से सुबह पाँच के बीच होंगी

पर जब आपका स्टेशन बन जाएगा और यहाँ पांच लाख लोग आएंगे तो हमारे तो सारा एरिया कंजेस्टेड उठ जाएगा लोग फुटपाथ पे जगह नहीं मिलेगी और पूरा क्राउडेड हो जाएगा तो हमारी तो बिजनेस फिर भी नहीं चलेगी फिर हमने उनको एक्सप्लेन किया कि देखिए यहाँ कोई आदमी आज जो आ रहा है बाद में भी आएगा सिर्फ उसका मोड चेंज होगा करेक्ट अभी जो आ रहा है वो बस से आता है ऑटो से आता है अपनी कार से आता है बाद में वो मेट्रो से आने लगेगा जी तो आपके एरिया का डिकन्जेशन होगा उनको हमने एक्सप्लेन किया तो चलिए उनकी समझ में बात आई और हमारी बातों से वो सहमत हो गए उन्होंने काम अलाउ किया कंस्ट्रक्शन चालू हो गए जब मेट्रो चालू होगी उसके एक साल के अंदर ही इन लोगों ने बैठ के स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया और दे पर्सनली मेरे पास आके थैंक कहा हमको आज भी याद है आपने जो बोला था क्योंकि कनाट प्लेस फिर से रिवाइव होने लगा फिर से वहाँ बिजनेस रिवाइव होने लगी और जो कॉमर्शियल एरिया वहाँ के वो बढ़ने लगे तो ये इस तरह की बहुत एग्जाम्पल्स हैं वहाँ सर और बताइए तो बहुत अच्छा लगा एग्जाम्पल्स सुन के और कोई एग्जाम्पल बताइए इस तरह एक और एग्जाम्पल मैं अगर आपको आप कभी चावड़ी बाजार गए गए सर नहीं चावड़ी बाजार बाहर निकल के देखा नहीं सर हाँ तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक दिन आप चावड़ी बाजार जाइये और जरा बाहर निकल के देखिए क्योंकि अंदर से तो स्टेशन आपने देख लिया जी। वो तो एकदम मॉडर्न एकदम बढ़िया से है जी। जब आप बाहर निकलोगे तो पता लगेगा आप 18वीं शताब्दी में आ गए वो ही पतली पतली गलियां है वहां। हैं है और कितने ओवरहेड आपके केबल्स तार है मतलब बिल्कुल केबल जाल सा लगा हुआ चांदनी चौक में भी तो चांदनी चौक तो थोड़ा ठीक है जी आप चावड़ी बाजार जाइए इससे भी बुरा चावड़ी बाजार जाइए ना तो वहाँ उस जगह आपके कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट कैसे जाएंगे वहाँ से जैसे मैंने बताया है हर रोज 400-500 ट्रक मिट्टी निकल रही है वो निकल के कहाँ ट्रक वहाँ जाएंगे तो अगर आप वहाँ जाएंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि यहाँ मेट्रो का स्टेशन नहीं बन सकता पॉसिबल ही नहीं है नहीं बन सकता है क्योंकि वहाँ जाने कोई जगह नहीं है स्पेस ही नहीं है वहाँ सामान रखने को तो जगह है ही नहीं ट्रेन खड़ा होने को जगह नहीं कुछ हैं। नहीं हैं। तो मेट्रो जब हमने बनानी शुरू की थी तो हमारे पास कोई मॉडर्न मेट्रो बनाने की एक्सपर्टाइज नहीं थी हम कितना ही अपने को कहने लगे कि हमने बहुत कुछ किया है जी बट हमारे पास रियली really, कैलकाटा मेट्रो का एक्सपीरियंस तो था जी वो ये तो था कि हमको क्या नहीं होना चाहिए जी बट कैसे करेंगे ये नहीं पता था अच्छा तो उसके लिए हमने फिर इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स बुलाए हैं।, हैं और वो एक कंसल्टेंट uh, हमने अपॉइंट किए जिन्होंने दुनिया भर में मेट्रो बनाए इस तरह की तो जापान से थे सिंगापुर से थे दुनिया भर से थे पर ये चैलेंज सर चावड़ी बाजार का तो उनके लिए भी यूनिक रहा होगा हाँ मैं बता रहा हूँ जी तो उनका फर्स्ट रिएक्शन ये था और उन्होंने पहला राइटिंग में हमको सजेशन दिया कि चावड़ी बाजार स्टेशन को स्किप कर दीजिए आप नई दिल्ली से सीधे पुरानी दिल्ली जाइए बीच का स्टेशन होना ही नहीं चाहिए बड़ा हमने कहा नहीं है? क्योंकि वो एक ऐसी जगह है वहां और कोई साधन है ही नहीं है वहां पैदल ही जा सकता आदमी या रिक्शा से जा सकता है तो वहां तो मेट्रो की बहुत ज्यादा जरूरत है ठीक बात आज भी अगर आप जाके देखें चावड़ी बाजार हाईली पेट्रोनाइज स्टेशन है इतने लोग वहां उसको इस्तेमाल करते हैं तो हमने फिर फोर्स किया उनको कि नहीं जी ये तो बनेगा यही तो हमने फिर वहाँ आइडेंटिफाई किया एक अबंडेंट सिनेमा हॉल था वहाँ वो सिनेमा हॉल हमने एक्वायर किया। एक प्लॉट था और दूसरे साइड में तिराहा टाइप का चौराहा टाइप की एक जगह थी उसको आइडेंटिफाई किया और हमने इसकी ऐसे टेक्निक ऐसे डिसाइड किया कि हम दोनों साइड से ऐसे नीचे जाएंगे और फिर पूरा स्टेशन नीचे नीचे से ही बनाएंगे टनलिंग करके अच्छा जो नॉर्मल हमारे स्टेशन अंडरग्राउंड स्टेशन बनते हैं हम ऊपर से काट के जाते हैं ठीक नीचे हैं। पूरा हैं, हैं। खोद कर खोदने के बाद में बॉक्स टाइप का बना देते हैं और फिर उसको कवर कर देते हैं, हैं। चावड़ी बाजार थोड़ा इससे अलग है अलग है ठीक है दोनों साइड से हम गए और उसकी पूरी चौड़ी टनल बनाई तो जो प्लेटफार्म है वो भी टनल में है वहाँ पे टनल थोड़ी ज्यादा चौड़ी है जिसमें ट्रैक भी है और प्लेटफार्म भी है तो ये इस तरह की बहुत चैलेंजेस yeah. थे yeah. फेस वन में शुरू में सर जब आप अब आप जब आप मेट्रो की जर्नी शुरू कर रहे थे सबसे पहले काम कहाँ से शुरू किया क्या शुरू किया कौन से आपके आपके कार्यकाल में जब आप एमडी रहे तो कितनी लाइंस बनाई और आपने क्या क्या चैलेंजेस जब अपने कार्यकाल में थे तब क्या क्या देखिए देखिए दिल्ली मेट्रो आज अगर आप देखें तो करीब चार किलोमीटर दिल्ली एन में करीब चार किलोमीटर है और फेज वन में हमने करीब सिक्सटी नाइन किलोमीटर बनाई थी ठीक है और फेज़ टू में करीब वन ट्वेंटी फाइव मतलब करीब करीब उसकी डबल डबल तो ये दोनों मिला के होगी वन करीब हो गई जी ये रही जब श्रीधन साहब एम थे मैं पहले सी रहा फिर डायरेक्टर। डायरेक्टर रहा।, रहा जी फेज़ टू में मैं डायरेक्टर फेज वन में सीपीएम था फेज टू में डायरेक्टर रहा और फेज थ्री में आके मैं एमडी हो गया फिर सीजन हिसाब से मैंने चार्ज लिया और फेस थ्री में फिर हमने 180 बनाया तो देखिए हाँ। फेस वन का डबल फेस टू सिक्सटी नाइन वन ट्वेंटी फाइव और दोनों का बराबर फिर इतना ही और फेस थ्री 90. में हमने बनाया हाँ। अब सवाल ये है कि हमने 20 साल के अंदर में 400 किलोमीटर का नेटवर्क करीब करीब दिल्ली में बनाया और पच्चीस साल का सोलह किलोमीटर कोलकाता का था हाँ अब अब ये जो नेटवर्क है ये दुनिया के जो चार पांच बड़े नेटवर्क हैं उनके करीब करीब बराबर है जैसे आप मॉस्को लंदन न्यूयॉर्क ये करीब इसी रेंज में चार सौ आठ सौ की रेंज में है। उनको बनाने में सौ सवा सौ डेढ़ सौ साल लगे जो वहां जो इस लेवल पे मेट्रो आई है तो ऐसा क्या लोग ये सवाल पूछते है, हैं, हैं। क्या किया आप लोगों ने हम एक ही जवाब उसके देते थे कि भाई हमारे पास ऑप्शन नहीं था हम इतने लेट हो चुके थे हमने लेट शुरुआत की जी जो मेट्रो की शुरुआत हमारी बहुत पहले होनी चाहिए थी जी। हमने वो की नहीं जी। उसके कारण है आ, हम आज़ादी के पचास साल तक एक गलत फहमी में रहे वो गलत फहमी आप लोगों को नहीं पता होगा अपने पेरेंट्स वगैरह से पूछी जी हम लोग जब स्कूल में थे तो हम पढ़ा करते थे इंडिया लिवस इन विलेजेस भारत कृषि प्रधान देश है जी। और सह, कोई भी पॉलिसी कोई भी थिंकिंग सिटी के लिए नहीं थी अर्बन डेवलपमेंट का, का नहीं था जी। और वो एक ये थिंकिंग थी कि अर्बनाइजेशन अच्छा नहीं है गाँव से लोग आते हैं अर्बन की तरफ पलायन करते हैं जी। शहर में जिंदगी इतनी अच्छी नहीं है लोग स्लम में रहते हैं फैसिलिटी नहीं इतनी मिलेंगी उनको तो सारी पॉलिसी इस तरह से बनाई जाती कि पलायन को कैसे रोका जाए मुझे याद है हम लोगों के टाइम पे इस पर ऐसे लिखने को आता था पलायन के क्या कारण हैं और पलायन को कैसे रोका जाए व्यक्ति शहर, शहर ना जाए शहर ना जाए कैसे वहां रुके इस एजेंडा से काम हो रहा था इस एजेंडा से काम होता था तो शहर की थिंकिंग शहर का सोचना तो फिर था ही नहीं था जी और सारे डेवलपमेंट हमारे उसी पीरियड में हुए सिक्सटीज सेवेंटीज में जितनी जितने डेवलपमेंट्स हुए यही कारण है कि आप देखिए जितने भी पुराने सारे डेवलपमेंट है इवन एरिया जी के डिफेंस कॉलोनी सब के अंदर रोड इतनी पतली पतली जरा जरा सी हैं जी क्योंकि एक और मैं एग्जाम्पल दो मैंने नाइनटीन नाइन्टी टू में सोचा कि मैं एक मोटराइज uh, वहीकल खरीदूं अब मोटराइज वहीकल उस टाइम पे एक गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए मींस ए स्कूटर नॉट कार अच्छा तो मैंने डिसाइड किया इस बात पे विश्वास नहीं करेगी जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ स्कूटर अच्छा। बुक किया उन दोनों स्कूटर बुक हुआ करते थे ऐसे नहीं कि आप जाके खरीद लीजिए तो मैंने स्कूटर बुक किया एटी टू में आप गैस कर सकते हैं कि उसकी डिलीवरी कब मिली सर मैं बहुत लंबा समय करके नाइनटीन नाइन्टी थ्री बोल देता हूँ ना दस साल नहीं दस नहीं एक साल एक साल नहीं नहीं एट्टी टू में बुक अच्छा एट्टी टू में बुक किया हाँ सर एट्टी थ्री में मिली होगी एट्टी सेवन में मिली <laughs> सर पाँच साल स्कूटर हाँ। ही नहीं आया हाँ तो ये सीन था हमारा मैं इसलिए हाँ। ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे देश में मोटराइज व्हीकल की अवेलेबिलिटी ही नहीं थी 90's तक पहली चीज जो हुई जब मारुति आई इससे थोड़ी प्रोडक्शन बढ़े अवेलेबिलिटी बढ़ी और आज क्या सिचुएशन है आज आप अगर इंटरनेट पे खोजना शुरू करो कि कौन सी कार अच्छी कंपेयर करना शुरू करो तो शाम तक आपके पास ऑफर आ हाँ सही बात है और आप कहोगे जी मेरे पास पैसा नहीं खरीदने को तो फाइनेंसर आ जाएगा जी 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 आपको ना हो हम आपको तो वो सिचुएशन थी जब देश में कारों की तार, तार, मतलब मोटराइज व्हीकल का प्रोडक्शन ही नहीं था और उसी टाइम पे हमारे सिटी डेवलप हो रहे थे तो एक एक तो ये हुआ कि हमने अर्बनाइजेशन पे कोई ध्यान पॉलिसी वाइज नहीं दिया बल्कि इस भुलावे में रहे कि अर्बनाइजेशन ठीक नहीं, नहीं।, नहीं हो चाहिए नहीं होना नहीं चाहिए है। जबकि यूनिवर्सल फिनिना ये है कि डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन ये साथ साथ चलते हैं ठीक बात जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ नाइन्टी नाइन्टी फाइव परसेंट अर्बनाइजेशन जी तो ये सिनेरियो में जब ना तो हमारे पास कार थी ना ऑटो थे ना तो किसी ने सोचा ही नहीं कि हमको पार्किंग के लिए जगह चाहिए किसी ने सोचा ही नहीं कि हमको वाइडर रोड चाहिए तो ये सिचुएशन और सडनली नाइन्टीज़ में आके जब हमारी इकोनॉमी खुल गई बहुत सारी कार कंपनियाँ हमारे यहाँ आ गई और फाइनेंसिस की कोई प्रॉब्लम नहीं रही हमारा जो मिडिल क्लास है वो थोड़ा सा ऊपर निकल के आने लगा, लगा खर्च खर्च भी करने, करने लगा तो सड़कों पर कार का है तो <laughs> ये सिचुएशन जो हमारे सिटीज की है नॉट <laughs> ओनली बड़े शहरों की बट <laughs> जो सेकेंड लेवल की सिटी सबकी यही हालत है <laughs> जी जो कंजेशन uh, है ट्रैफिक की प्रॉब्लम है <laughs> जी। तो ये सारी सीरियस प्रॉब्लम <laughs> अब सबसे पहला जो रियलाइजेशन ये हुआ कि भाई शहरों के लिए भी कुछ करना है वो दिल्ली मेट्रो है, है सबसे पहले सर कोलकाता में इतने पहले कैसे हो गया फिर कोलकाता मेट्रो कुछ कुछ वो पॉलिटिकल कुछ रीजन रहा वहाँ और वो भी हाफ हार्टेड रहा क्योंकि तो शुरू कर दिया और खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा तो मैं उसको कोई सीरियस रियलाइजेशन uh, नहीं कहूंगा कोई विजन के साथ नहीं हुआ सीरियस रियलाइजेशन नहीं कहूंगा कोई एक स्ट्रेटजी uh, के तो, तरीके से तौर पे वो प्रोजेक्ट की गई हाँ। और uh, जो उसका इतने दिन नहीं होने का एक रीजन था वो हाँ। यही था हाँ। कि वो स्टेट गवर्नमेंट उसको सदा सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट मानती रही अच्छा और इस तरह की प्रोजेक्ट तब तक नहीं हो सकती जब तक स्टेट गवर्नमेंट का पूरा होना चाहिए क्या कमाल का एपिसोड है कि नहीं आप बताइए दिल्ली मेट्रो के कंस्ट्रक्शन के बारे में कितना कुछ जानने को मिला आज लेकिन क्या ये पूरा पॉडकास्ट है बिल्कुल भी नहीं पॉडकास्ट में और भी बहुत कुछ है इससे बहुत ज़्यादा और भी कुछ है कहाँ देखेंगे आप पार्ट टू में पार्ट टू के लाइए ऑपरेशन और, और मेंटेनेंस के बारे में बात करते हैं श्री मंगू सिंह जी से ठीक है आइए आ जाइए